बाइक की चेन का लुब्रिकेट। बाइक बाइक की चेन का लुब्रिकेट आगे बता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। शी इज गेटिंग रेडी। हमें सुबह निकलना था लेकिन कल रात को हम काफी लेट नाइट पहुंचे यहाँ पर। रोड तो नागपुर से यहाँ तक रोड काफी अच्छा था लेकिन नाइट थी, सो वी हैड टू ड्राइव वेरी केयरफुली। सो हमने बहुत थोड़ा स्पीड कम मेंटेन करके चलाया, बट एनी हाउ वी रीच्ड हियर लास्ट नाइट एंड 11 PM। सो दिस होटल इज कॉल्ड द पार्क हैदराबाद। होटल काफी अच्छा है, मैं आपको इस रूम का टूर दे देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। सो दिस इज द बेड, थोड़ा मैसी हो रहा है, और दिस इज द टीवी। नौशीना इज मेकिंग कॉफी फॉर अस। दिस इज द बाथरूम, वी हैव जकूजी। वॉशरूम, बाथरूम। सो हमने यहाँ पे दो रूम लिए थे। सो द नेक्स्ट रूम है इसके इस तरफ ही रूम है वो, उसमें मेरे भाई भाभी स्टे किए हुए हैं। आज की राइड के बारे में बात करें तो आज हमारे अप्रॉक्स 560 किलोमीटर्स करना है, एंड होप फॉर द बेस्ट। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम आर रूम। माई ब्रदर्स आ गए हैं, भाई आ गया मेरा, भाभी हाय गुड मॉर्निंग, वशु गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज द व्यू। वी हैव दिस इंफिनिटी पूल, बट हम इसका मजा नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी हमें निकलना है सुबह सुबह। सो गाइस वी आर चेकिंग आउट। जाने का मन तो नहीं हो रहा है, सीरियसली जाना पड़ेगा क्योंकि हमें आज किस एनी हाउ वी हैव टू रीच बैंगलोर। कार्ड भूल गया था, बुलाइए प्लीज भाभी, बुलाइए। मास्क प्लीज, वेयर मास्क। मास्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। ओके, हैदराबाद अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट ऑन दी बिरयानी। अरे बिरयानी एंड हलीम्स, क्या बात कर रहा है, थर्ड फ्लोर पे, इसी में है ना वहां पे लोग जहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, सिक्स्थ फ्लोर। पार्किंग लॉट ऑफ दिस होटल बिकॉज चेन काफी गंदी हो चुकी थी, उसको चेन ल्यूब क्लीनिंग एंड ल्यूब भी करनी थी भाई की बाइक की। थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे, मैं करता हूँ। यस सी द कंडीशन ऑफ द चेन, इट्स वर्स्ट। इसको ल्यूब करना है और क्लीन करना, भाई बहुत गंदा हो रहा है तो पूरा देख। अरे बहुत ज़्यादा, इसलिए तो वो कपड़ा निकलवाना। बट द बाइक इज परफॉर्मिंग वेरी गुड यार, सीरियसली आई फॉल इन लव विद दिस बाइक। दैट्स अ कार इन द पार्किंग लॉट, बिकॉज हम वापस पार्किंग लॉट में आ गए जस्ट टू लूप दैट बाइक बिकॉज ये पार्क के नीचे। बाइक की चेन का लुब्रिकेशन खत्म हो गया था तो उसके लिए उन्होंने अभी ग्रीसिंग वगैरह प्रोवाइड की है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, उसके वहाँ पीछे कार खड़ी है, यहाँ भाभी खड़ी है, यहाँ हम सब लोग खड़े हैं। सी द गेटअप यूटो Now we are going to Bangalore और हमने अभी just exit पे हैं, the park Hyderabad, right? We were in the parking area. Now we are going outside. Actually यहाँ पे wallet parking है, लेकिन what?
हमें नीचे बाइक हमारी पार्क थी, इस वजह से हमें नीचे जाना पड़ा, बिकॉज हमें बाइक को चेन लूप एंड चेन क्लीनिंग करना था। सामने से यू कैन सी दैट ट्रेन जा रही है। सो फाइनली हमने ईजीपुरा जो हमारी मेन लोकेशन है जहाँ हमें पहुँचना है उसका हमने मैप ऑलरेडी गूगल कर लिया है और हमने उसे यहाँ लगा दिया है और वो 580 किलोमीटर से जा रहा है। Around 120 kilometers done from Hyderabad. This way is Bangalore and this way is Hyderabad. और सुबह हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए थोड़ी सी भूख लगी है। अभी टाइम हो रहा है और एक नून तो हम लंच कर लेते हैं। उधर लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ढाबा दिखा है विच इज़ कॉल्ड सिमरन पंजाबी फैमिली ढाबा। सो इट इज़ लाइक पंजाबी ढाबा। तो होपफुली हमें कुछ पंजाबी सिमर नो सॉरी माई मिस्टेक इट इज़ सिमर पंजाबी फैमिली ढाबा। गर्मी से गर्मी ना किधर वो बाइक चलती है तब तो हाँ मैं करता हूँ। बाइक इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड यार वेरी नाइस। चेन ल्यूब क्यों नहीं खराब क्यों खराब हो रहा था अपन किया था चेन ल्यूब पता नहीं कर गया अच्छे से हो नहीं पा रहा है क्लीन और ये लूज भी हो गया है देखो थोड़ा सा लूज हो कोई बात नहीं देखते हाँ थोड़ी दूर तो चलाना है। कहाँ बैठे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। साइकिल पे बैठे खाएंगे हम लोग। क्यों यहाँ बैठे खाएंगे ना और यहाँ से पैर ऐसे हो जाता है यार पैर ऐसे हो रहा है। सो वी हैव डन विद द लंच और अभी कितना चल रहा है 450 किलोमीटर एटलीस्ट हमें यहाँ से ड्राइव करनी है। अरे करीब एक घंटा हो गया क्या टाइम हो गया अभी 134 मतलब 45 मिनट हो गए यहाँ पे रुके हुए 45 मिनट से हम यहाँ पर हैं और होप फॉर द बेस्ट सो फार सो गुड। अभी हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में भाई वॉशरूम करने गए हुए हैं। चाय बहुत अच्छी नहीं थी खाना ठीक ठाक था इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो गाइज अब हम मिलेंगे सीधा बैंगलोर में क्योंकि यहाँ से मैं डायरेक्टली ड्राइव करूँगा अप्रॉक्स 450 किलोमीटर्स है यहाँ से पूरा बैंगलोर। सो गाइस काफ़ी देर से हम कार ड्राइव कर रहे थे गर्मी बहुत है तो हमने सोचा रास्ते में एक हमें नाले पानी की शॉप मिली तो हमने सोचा चलो नाले पानी पी लेते हैं। सो फार एवरीथिंग इज़ गुड
अराउंड 250 किलोमीटर्स लेफ्ट फ्रॉम हियर राइट। भाभी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। एंड भाई देयर इज माय ब्रदर, चलो गाइस। हेलो, और हम कर्नाटका पहुंच चुके हैं और ये देखो व्यू कितना अच्छा है पीछे सनराइज का, सनसेट का सॉरी। बट यार ये जो NH-44 है ना, सीरियसली इट्स रियली रियली ऑसम। हाँ, बिकॉज ये जाता है आई गेस कन्याकुमारी तक या जम्मू कश्मीर तक, सो इट्स वेरी 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 नाइस। सो हम लोग को ये रूट से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, बिकॉज हम लोग जो जो ट्रैवल हम कर सकते थे कितने किलोमीटर हमने करा लिया है। रियली रियली टू बी फ्रैंक, दिस पर्टिकुलर NH-44 इज वेरी गुड NH, और जो कि हमें नागपुर के बाद से मिला NH-44 जो कि ज्यादा, जब हमने भोपाल से हम हैदराबाद के लिए आ रहे थे तो भोपाल के बाद भोपाल वाला रूट नो डाउट बहुत ऑसम है। मंडी दीप आप क्रॉस करोगे वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप होशंगाबाद जाएंगे एंड देन इटारसी एंड देन बैतूल, तो ये जो दो तीन स्टॉपेज थे ना इनका रूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदा है। लेकिन जैसे ही हमने NH-44 पकड़ा तो NH-44 से बहुत शानदार रूट मिला हमें, बहुत अच्छे से स्पीड कवर की है एंड आई थिंक हमने 100 किलोमीटर पर आवर किया राइट, सो ज्यादा किया है, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छे से हुआ है ये सारी चीज़ें। देन अभी हम लोगों को वॉशरूम की रिक्वायरमेंट थी तो हम लोग इस लोकेशन में आए हैं, सी इफ यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर। तो अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे, चाय पीकर अराउंड 100 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है, और गूगल बता रहे हैं कि हमारा घर यहाँ से अप्रॉक्स 130 बता रहा है, जो कि अप्रॉक्स 2 आवर्स लगेगा। आई डोंट नो व्हाई ही इज टेलिंग अस कि ना 2.3 आवर्स हमें लगेंगे, बिकॉज ये रूट तो काफी अच्छा है, लेकिन मे बी शायद अंदर सिटी में एंटर होने के बाद हमें कुछ रश वगैरह मिले तो पॉसिबल। ओके, तो फिर चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं घर पे। सो गाइज, हियर वी आर स्टॉप फॉर द फ्यूलिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रात हो चुकी है, सो भाई का जो वाइज़र है हेलमेट का वो थोड़ा कलर्ड है, सो उसको दिखता नहीं है रात में, सो वी थॉट ऑफ चेंजिंग इट। ही इज़ वेयरिंग ग्लासेस नाउ, ही इज़ अनवेयरिंग द लेंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड वेयरिंग द ग्लासेस। सो अभी 70 किलोमीटर्स इज़ फार अवे फ्रॉम हियर, एटलीस्ट इट विल टेक अराउंड 1 आवर, बिकॉज यू नो जब बेंगलोर में एंटर होंगे तो ट्रैफिक मिल सकता है ज़्यादा। Now we have entered in Bangalore. The journey from Jaipur to Bangalore has been a great journey. और भोपाल में अच्छा भी लगा, काफी घूमे भी भोपाल के अंदर, हमने डैम गए घूमने, भोपाल से जो हैदराबाद का जो स्ट्रेच था जो it was about 870 किलोमीटर्स, yes, total it was around 870 किलोमीटर्स। Seriously, मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं 870 किलोमीटर्स इन वन शॉट करूंगा, that too with this Honda Amaze। रोड का तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से रोड था, NH-44 इज लाइक ट्रिब्यूट फॉर द राइडर्स एंड ड्राइवर्स, सीरियसली इट्स वेरी गुड रोड। बट आई मस्ट से कि जो रोड बैतूल और होशंगाबाद और एमपी में जो आया था इटारसी के साइड में जो मुझे रोड आया था, विच इज वर्स्ट रोड आई हैव एवर सीन, टू मैनी बम्स, उसकी वजह से शायद दैट कुड बी द रीजन ऑफ दिस टायर बर्स्ट जो हुआ था। Maybe. So this is like we are about to reach our home around 30 kilometers away, far away from here. Take the next left. So after facing that huge traffic of Bangalore, we reached home at 9 p.m. After that, we had this delicious biryani, and trust me, it was really, really delicious. This is the end of the series Jaipur to Bangalore by road. और अगर आप लोग को ये वीडियो और ये सीरीज दोनों पसंद आई, so do not forget to hit the like button down below and let me know in the comment section which part of this series you like the most. और अपने friends and family को ये वीडियो और ये सीरीज जरूर शेयर कीजिए। We'll meet in the next video. Till then, goodbye.